बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ, कुशन कवर का बहुत प्यारा डिज़ाइन है। साथ मिलके बनाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें मैं वूल इस्तेमाल करूँगी वो 3-ply की होगी। वाइट कलर लगाऊँगी, वाइट में बहुत प्यारे डिज़ाइन बनते हैं। हुक इस्तेमाल करूँगी 2.5 mm की, और कट के लिए सीज़र यूज़ करेंगे। आपसे दरख्वास्त है मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। आइए तो न्यू पैटर्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिंग बनाऊँगी, ये देखिए हमारी मैजिक रिंग तैयार हो गई है। 1 chain मौजूद है, 1 chain और बनाऊंगी, 2 chain लगाऊंगी, सिंगल क्रोशे लगाऊंगी, 20 सिंगल क्रोशे। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा, बहुत प्यारा। आप बनाइए, काउंटिंग करके जोड़ना सिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे 20 सिंगल क्रोशे तैयार हो गए हैं। यहाँ 2 chain बनाई थी, इसके साथ जोड़ दूँगी। यहाँ पे हमारी बेस तैयार हो गई है, यहाँ पे बनाऊँगी 3 chain। 3 chain के बाद नेक्स्ट क्रोशे पर लगाऊँगी, 2 हो गए हैं, 3, 4 5 डबल क्रोशे लगा लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए हैं। 5 chain बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5 chain के बाद फिर 5 डबल क्रोशे। राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, राउंड कंप्लीट हो गया है। 4 times लगाए हैं 5 डबल क्रोशे, और 5 chain बनाए हैं गैप के लिए। यहाँ पे 5 chain बना दी है, और यहाँ पे जो 3 chain बनाई थी 1, 2, 3 इसके टॉप पे जोड़ूंगी, हमारा यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 3 chain हो गई डबल क्रोशे के बराबर है, और 3 chain गैप के लिए भी 6 chain। 6 chain के बाद यहाँ पे लगाऊंगी, इस गैप में 3 लगाऊंगी, 1 crochet लगा दिया है क्रोशे के ऊपर, और 3 गैप में लगाएंगे जो बढ़ते रहेंगे। 5 chain मेंटेन रहेंगी, 3, 4, 5 3 3 दोनों साइडों से बढ़ा लूँगी, और जो 4 बनेगा
वो क्रोशे के ऊपर लगेगा। यहाँ फिर थ्री चेन का गैप आएगा, यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट होता है। ये राउंड भी इसी तरह बनेगा। राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने सिक्स चेन बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6। सिक्स चेन के बाद यहाँ से ये भराई वाले राउंड जाएंगे, 4 पे 4 लगेंगे और 3 गैप में बढ़ जाएंगे। ये 3 बढ़ गए हैं और इसके सेंटर में जो 5 चेन है ये तकरीबन एंड तक जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5। डिज़ाइन का राउंड 2 है। अब आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे 4 लगाए हैं और यहाँ पे 7 हो गए हैं, 5 चेन मेंटेन रहेंगी। यहाँ पे 3 चेन मेंटेन रहेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये 3 चेन जाएगी। 7 राउंड रिपीट हैं, 7 राउंड बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और कोई भी इसमें डिज़ाइन नहीं बनेगा, यही डिज़ाइन बनेगा। ये भरा हुआ जाएगा, साइडों पे 3 चेन आएंगी, 3 चेन इसको एक दूसरे से अलग करेंगी, सेंटर में जाली बनती जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेंटर में 5 चेन मेंटेन रहेंगी और ये बढ़ते जाएंगे, जैसे मैंने अभी बना के आपको दिखाए हैं। 7 राउंड के बाद मिलती हूँ आपसे। 7 राउंड के बाद कटिंग राउंड शुरू होगा, फिर आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। यहाँ पे यकीनन आपको समझ आ गई होगी, जैसे मैंने अभी बताया है आपको। 7 राउंड के बाद मिलती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, 7 राउंड कंप्लीट हो गए हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 राउंड यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से जाली भी शुरू होगी और कटिंग राउंड भी शुरू होगा। आइए तो बनाते हैं। ये देखिए 6 चेन बनी हुई है। 6 चेन के बाद इसी के ऊपर लगाऊंगी 3 चेन। यहाँ डबल क्रोशे के बराबर है और 3 चेन गैप के लिए, जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी यहाँ तक 3 चेन मेंटेन रहे। और इसके बाद यहाँ भी 3 चेन बनेंगी। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ से हम मिस करेंगे, 1 2 3 4 मिस करेंगे। इसके ऊपर लगाऊंगी, इसके बाद यहाँ ये भराई वाला राउंड ही जाएगा, साइडों से कटिंग होगी। यहाँ पे शुरू में 3 गैप बनेंगे, उसके बाद 5 गैप इसी तरह बढ़ते जाएंगे, 2 से 3 राउंड रिपीट हैं कटिंग वाले भी। इसी तरह कटिंग होती जाएगी दोनों साइडों से। यहाँ भी जाली के 3 गैप बन जाएंगे, जैसे यहाँ बनेंगे 3 से 4 राउंड आपको मैं लगा के दिखाती हूँ। उसके बाद उसके ऊपर नया डिज़ाइन बनेगा। ये कटिंग राउंड रिपीट है।
ये देखिए व्यूवर्स, हमारा रिपीट जितना भी था कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 थ्री राउंड मैंने बना लिए हैं। यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, ये 3 गैप बने थे, उसके बाद 5 गैप बने हैं, फिर 7 गैप बने हैं। अब यहाँ से हम न्यू राउंड स्टार्ट करेंगे जो इस डिज़ाइन को ख़त्म कर देगा और ऊपर नया डिज़ाइन बनेगा। वो मैं कैसे बनाऊँगी, आइए मिल के बनाते हैं। यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, ये हमारे ये सेंटर गैप है, इस गैप पे मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। यहाँ पे 5 डबल क्रोश लगाए हैं, 3 गैप में लगाए हैं, 1 यहाँ हो गया, 1 इस क्रोशे पे हो गया, 1 इस पे हो गया, 3 सेंटर में हो गए। यहाँ ये हमारा 5 डबल क्रोशे का डिज़ाइन बन गया। यहाँ पे फिर 3 चेन आएंगी, इसके ऊपर लगाऊंगी, या फिर यही डिज़ाइन बनेगा। 3 डबल क्रोशे गैप में लगाती हूँ, 1 डबल क्रोशे क्रोशे के ऊपर, दोनों साइडों पे 1 1 ये आ जाते हैं। ये देखें यहाँ भी, यहाँ भी 1 2 3 चेन, 3 चेन के साथ इसके ऊपर लग जाएगा। यहाँ भी यही डिज़ाइन बनेगा, 5 डबल क्रोशे लगाऊंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 चेन, 1 2 3 मिस करेंगे, 1 2 3 मिस करेंगे, 4 पे लगाएंगे, फिर यहाँ यही डिज़ाइन बनेगा। यहाँ टॉप पर पहुँच के दिखाती हूँ, ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक बनाना सिखाया, ये बना दिए हैं। यहाँ पे 6 लगे हैं, 3 इस साइड पे हैं, 3 इस साइड पे हैं, 6 यहाँ लगे हैं, 6 यहाँ डबल क्रोशे लगे हैं, सेंटर में वही 5 चेन मेंटेन रही। अब यहाँ पे फिर 3 चेन, 5 डबल क्रोशे, 3 चेन का गैप आ रहा है, 5 डबल क्रोशे। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ और आपको समझाती हूँ कि ये 3 राउंड हैं, इसी तरह जाएंगे। नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे बनेंगे 5 डबल क्रोशे, हर गैप पे 5 डबल क्रोशे बनेंगे और 3 चेन के साथ ये जाली मेंटेन रहेगी। 3 राउंड इसके लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद इसके ऊपर न्यू डिज़ाइन स्टार्ट होगा। वीवर्स, हमारे रिपीट राउंड जितने भी थे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे ये बनाना आपको मैंने सिखाया था यहाँ तक, बाकी सारा रिपीट होता गया। यहाँ भी, यहाँ पे 6 डबल क्रोशे लगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं न्यू डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी, वो आपको बनाना सिखाती हूँ। यहाँ तक ये जाली वाले राउंड रिपीट थे, कटिंग राउंड। यहाँ पे ये भराई वाले राउंड आगे ब्लॉक्स बने हैं, ये भी रिपीट थे, 3 राउंड, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे नया डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। फोर चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद हाफ क्रोशे से जोड़ती हूँ। यहाँ पे हमारा नया डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है,
1, 2, 3, 4 हर क्रोशे के ऊपर 4 क्रोशे से मोती बना रही हूँ। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे ये डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 4 चेन बनेंगी, 1, 2, 3, 4 4 चेन के बाद यहाँ पे लगाएंगे डबल क्रोशे। वन टू थ्री फोर चेन बनाने के बाद यहाँ पे जोड़ दूंगी। 1, 2, 3, 4 चेन इसी में लगाएंगे। 1, 2, 3, 4 चेन, 1, 2, 3, 4 चेन इससे आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे ये डिज़ाइन बन रहा है, जैसे इस पे बनाया ये हमारा प्लेन जाएगा, इसी तरह 5 डबल क्रोशे लगते जाएंगे, साइडों पे 4 चेन बनती जाएंगी। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी 5 चेन भी कर लूँगी। इसी तरह एक पे ये फूल बनेगा, दूसरा प्लेन जाएगा, तीसरे पे फूल बनेगा और यहाँ पे बड़ा डिज़ाइन बनाऊँगी। यहाँ तक बना के दिखाती हूँ, ये सेम जाएंगे, इसी तरह सेम कंडीशन से बनते जाएंगे। यहाँ तक बना के दिखाती हूँ आपको वीवर, जहाँ तक मैंने बना लिया है ये देखें, यहाँ पे डिज़ाइन बना है, ये सादा जाएगा, ये डिज़ाइन बन गया, ये सादा जाएगा, ये डिज़ाइन हो गया और यहाँ पे नया डिज़ाइन स्टार्ट होगा। यहाँ चेन गिनते हैं कितनी बनाई है, 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन बनाई है और यहाँ पर हम डबल क्रोशे लगाएंगे। यहाँ पे नया डिज़ाइन बनेगा। ये जो कॉर्नर हैं इन पे अलग डिज़ाइन बनेगा, साइडों पे अलग डिज़ाइन बनेगा। काउंटिंग करके दिखाती हूँ यहाँ कितने बन गए हैं। ट्वेल्व डबल क्रोशे लगाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पे 5 चेन बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन के बाद यहाँ पे लगाऊंगी, 1, 2, 3, 4 4 चेन बना के हाफ क्रोशे से जोड़ रही हूँ। यहाँ डिज़ाइन बन रहा है, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 चेन के बाद हाफ क्रोशे से यहाँ जोड़ती हूँ। यहाँ पे 4 डिज़ाइन बन रहे हैं। यहाँ पे 4 चेन बनती है, 4 चेन के साथ यहाँ पे 5 डबल क्रोशे प्लेन जाएंगे। अब आपको सारा दिखा देती हूँ। ये कॉर्नर का डिज़ाइन अलग है, ये डिज़ाइन अलग है, ये डिज़ाइन अलग है, इसी तरह ये रिपीट होते रहेंगे। यहाँ इसके
यहाँ पे 4 मोती बनाए हैं, इसके ऊपर 3 बनेंगे चैन, यहाँ पे 4 बनाए हैं, नेक्स्ट राउंड में भी 4 बनेंगी, फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो बंदा 5 बना लेता है। यहाँ पे 5 चैन बनाई हैं साइडों से, ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए ये डिज़ाइन बनाया है, 12 डबल क्रोशे लगाए हैं 5 चैन के साथ। इसका राउंड कंप्लीट करती हूँ और ये भी समझा देती हूँ कि इसके 3 से 4 राउंड जो हैं वो रिपीट हैं, आपको बना के दिखाऊँगी। ये वाला डिज़ाइन हमारा कंप्लीट होगा तो फिर यहाँ पे भी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट राउंड डबल क्रोशे 12, सेकंड राउंड 1 चैन के साथ डबल क्रोशे 12, इसी तरह थर्ड राउंड में 2 चैन आएंगी और डबल क्रोशे 12 ही लगेंगे। 3 से 4 राउंड रिपीट करके फिर दिखाती हूँ आपको, ये वाला डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला डिज़ाइन भी। फिर आपको एंड में लेस बनाना सिखाऊंगी। व्यूअर्स, हमारा जितना भी रिपीट था मैंने बना लिया है। यहाँ पे ये राउंड आपको बनाना सिखाया था, यहाँ तक बना लिया है। यहाँ पे इतना बताना चाह रही हूँ कि हमने जो ये वाला डिज़ाइन बनाया है इसकी साइडों पे यहाँ पे 3 चेन थी, यहाँ 4, यहाँ पे 5, 6, यहाँ पे 7, सिर्फ इन चेन में थोड़ा थोड़ा हमने इजाफ़ा किया है ताकि ये डिज़ाइन खूबसूरती से उभर के सामने आ सके। आपकी मर्ज़ी है, आप बड़ा बनाना चाहें तो इसको मज़ीद और भी बड़ा कर सकती हैं। यहाँ इसके ऊपर आप 3 से 4 राउंड और दे सकती हैं। यहाँ से 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर लें, यहाँ तक बंद कर लें, ये डिज़ाइन इसके अंदर बंद हो जाएगा। इस तरह भी छोड़ सकती हैं, इसके ऊपर लेस भी बना सकती हैं। मेरे पैटर्न की नीड इतनी थी, मैंने इसको इतना ही बनाया है। इसको आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको पिलो कवर बनाएं, आप कुशन कवर बनाएं, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। टेबल मैट बना सकती हैं, इस पर कोई भी अपनी मर्ज़ी की लेस बना लें, ये बहुत खूबसूरत लगता है। आपका और मेरा साथ यहीं तक था। मेजरमेंट दिखा दूं फिर आपसे इजाज़त लूँगी। 14 इंच में तैयार हुआ है, ये देखें। आप इसके ऊपर लेस बनाएंगी तो ये 15 इंच में तैयार हो जाएगा। मेजरमेंट मैंने आपको दिखा दी है, आप अपनी टेबल पे इस पर खूबसूरत गुलदान भी सजा सकती हैं, टेबल मैट बहुत अच्छा लगेगा। यकीनन आपको मेरा पैटर्न पसंद आएगा, बहुत खूबसूरत बना है, आप भी बनाइए। आपका और मेरा साथ यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट पैटर्न के साथ फिर मिलती हूँ। दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त, जब तक नया डिज़ाइन लेके आऊँगी फिर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।